हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्राइक क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे चैनल पे मैथ और रीडिंग की क्लास जो है से दिया जाता है, और बहुत ही जल्द में थोड़ा सा समस्या है जो लाइट अभी नहीं लगा है, तो बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा 1 से 2-3 दिन में, और पहले व्हाइट बोर्ड पर कराया जाता था। तो हम आज बात करने वाले हैं कि NTPC CVT 1 का जो रिजल्ट आया है, इसमें इतना गड़बड़ी बोर्ड ने कैसे किया, इतना कटऑफ ज्यादा क्यों चला गया, कारण क्या है, सारे टीचर का अनुमान फेल क्यों हो गया, आगे CVT 2 के लिए तैयारी कैसे शुरू करें, और जिनका NTPC CVT 1 में रिजल्ट नहीं हुआ यानी NTPC में रिजल्ट नहीं हुआ, तो ग्रुप डी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो आइए हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि NTPC CVT 2 में कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों गया। ठीक है, तो देखिए, सोचने वाली बात है कि जैसे अगर हम कहें कि अगर हम किसी भी बोर्ड में, जैसे पटने बोर्ड में अगर हम मान लेते हैं, अभी लाइट नहीं लगा इसके कारण नहीं देखा पा रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं जैसे पटना, देखिए ये पटना बोर्ड है, ठीक है, मान लिए इसने क्या कहा कि निकाला 300 सीट, या मानते हैं 60 को सीट निकाला है, ठीक है, जो NTPC के लिए निकाला, ठीक है, इसमें कैटेगरी कर दिया। पिछले बार क्या किया था कि कैटेगरी वाइज नहीं करके फाइनली रूप से रिजल्ट दिया था, ठीक है, उसके बाद CVT 2 लेने के बाद जो है से वो कैटेगरी वाइज करवाया था। सबसे बड़ी गलती यही किया है बोर्ड ने कि पिछले बार जैसे रिजल्ट दिया था 20 गुना रिजल्ट अभी भी दिया है, लेकिन वो वास्तविक में 20 गुना रिजल्ट नहीं है। कैसे कि अभी आप जैसे आप फॉर्म भरवाए थे उस समय आपने कहा किया कि पोस्ट वाइज आपने चूज करवा ही लिया था, तो फिर हमें चूज करने का ऑप्शन निकाल रहा है जब आप CVT 1 में ही आप छांट के अलग कर दिए। यानी कहने के मतलब यह है कि अभी कैटेगरी वाइज जो है से लिस्ट जारी कर दिया है, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट कौन सा लिस्ट में है, लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीका से जो लेवल वैकेंसी आया था लेवल 2, 3, 4 और 5, 6 का, उस अनुसार जैसे इन्होंने का किया अभी ही जारी कर दिया गया, यानी कि लड़का को यहीं से छांटना शुरू कर दिया गया। तो इसे क्या होगा कि जैसे 60 वैकेंसी दिया पटना बोर्ड में, लेवल 1 के लिए हम कहते हैं, लेवल 1 के लिए हम कहते हैं कि 20 वैकेंसी था, ठीक है, अब लेवल 2 है उसके लिए हम अगर कहें कि 30 वैकेंसी है, और लेवल 4 अगर हम करते हैं तो इसे मानते हैं कि 10 वैकेंसी है। इसी प्रकार से लेवल और आगे है 5, उसमें हम कहते हैं कि जो वैकेंसी है 30, 20, 50, 60 हो गया, छोड़िए। तो इसी प्रकार से जो लेवल आपने 1, 2, 3, 4 बनाया, ठीक है, इसमें आपने कहा किया कि 5 गुना अगर करेंगे तो 20 बचे कितना आ गया 100, अगर इसमें 20 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 400, यहाँ अगर करेंगे हम 20 गुना यहाँ पे तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600, यहाँ करेंगे 20 गुना तो क्या होगा 200, यानी टोटल जो रिजल्ट आ रहा था वो 1200, आपने 1200 रिजल्ट दिया। लेकिन गड़बड़ का किया है कि जिनका रिजल्ट लेवल 1 में है, जिनका अच्छा स्कोर है, ठीक है, स्कोर अच्छा है, तो उन्होंने कहा किया कि लेवल 1 में भी उनका रोल नंबर दिखा रहा है, जैसे 1, 2, 3 हम रोल नंबर इसमें अगर डालते हैं तो लेवल 1 में भी दिखा रहा है उनका रिजल्ट, लेवल 2 में भी उनका रिजल्ट दिखा रहा है, और लेवल 3 में भी रिजल्ट दिखा रहा है। यानी कहने के मतलब कि जिनका नंबर अच्छा था उसने प्रिफ्रेंस दिया था जिस अकॉर्डिंग से लेवल 1 में 2 में 3 में 4 में, और उसका एजुकेशन के अनुसार जो आपने सिलेक्ट किया था
तो आपने सब में उसको क्वालिफाई आप करवा दिए, यानी कि एक बच्चा और उनका रिजल्ट तीनों चारों सब में है। तो यहाँ जो है एक बच्चा को आप जो चार जगह रखे हैं, इसके जगह पर तीन बच्चा तो जरूर और आता आता ना। तो तीन बच्चा जब यहाँ पे आता तो तीन बच्चा को चांस मिलता 72 देने के लिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहीं पे इनको क्लोज कर दिया। तो जब यहाँ तीन बच्चा यहाँ पे आता जो आपने एक बच्चा को लिया, ठीक है, यानी कि चार बच्चे की जगह एक बच्चा को सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे जो कटर जाने वाला था 60 वो सीधे चला गया 90, ठीक है। क्योंकि जहां चार बच्चे का सिलेक्शन था तहां एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब जहां आपको रिजल्ट जो देना था 7 लाख प्लस रिजल्ट देना था, 7.5 लाख के आसपास 20 गुना होता है, ठीक है। जो आपने रिजल्ट कितना दिया भाई, तो 2 से 2.5 लाख या 3 लाख मान के चलते हैं हार्डली, अगर एक बच्चा को तीन जगह अगर रिजल्ट हुआ हो तो मान के चला जाए 3 लाख, 3 लाख बच्चों को आपने रिजल्ट दिया और इसी को यहाँ शो करवा रहा है कि हमने रिजल्ट 20 गुना दिया 7 से 7.5 लाख के बीच में, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे जो मौका मिलता जो बच्चों 4 लाख यानी 5 लाख जो बच्चे का जो यहाँ पे मौका मिलता 62 देने के लिए, आपने यहाँ पे जैसे क्या किया उसको निकाल दिया यानी बाहर कर दिया, ठीक है। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि जब आपने 5 लाख बच्चों का CBT2 देने से वंचित किया, यानी कि आगे जैसे ही जाएगा बच्चा जो जो चारों पे जैसे देखिए लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 चारों पे जो सिलेक्ट हुआ है बच्चा वो तो कोई एक पोस्ट पर ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताइएगा, तो एक पोस्ट पर जाएगा। इससे क्या होगा कि CBT2 के जब एग्जाम लिया जाएगा तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे छटेंगे, ठीक है। छट के बाई चांस हम कहते हैं कि और जितना सीट है उसे मानते हैं कि 1 गुना या 1.5 गुना बच्चा रह गया। अगर आप मेडिकल वेडिकल सारा चीज लेते देते, ठीक है, करवाते रहते, अगर आपकी यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि जितना सीट है और यहाँ बच्चे 5 हैं, ये कंडीशन होगा क्या है कि आपने तो 5 लाख बच्चों को यहाँ ही क्या कर दिया है, डिस्क्वालिफाई कर दिया है, चांस नहीं दिया है, ठीक है। क्या है कि एक ही पोस्ट पे चार बच्चा का रिजल्ट किया है तो एक ही पोस्ट पर ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे जो सीट है वो वैकेंट रहने वाले, तो पता नहीं बोर्ड के क्या मंशा है, क्या उसके मन में चल रहा है, सवाल चल रहा है कि ऐसा किया है और इससे बहुत सारे बच्चों के बीच में निराशा हुआ है जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, कहे कि 60-65 लाने वाले बच्चा का भी रिजल्ट नहीं हुआ, कुछ बच्चे जो थे इंटर लेवल का उनका 70-75 ला के भी रिजल्ट नहीं हुआ, तो ये सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं। तो इस पे आप लोग को आवाज़ जरूर कुछ उठाना चाहिए कि सरकार ऐसा क्यों किया, यानी कि बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, इस पे करना चाहिए। देखिए अब हम आगे बताते हैं कि जो हुआ से तो ठीक ही हुआ और इस पे आवाज आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तो आवाज उठना ही चाहिए। कहे कि 5 लाख बच्चों का भविष्य है, 5 लाख बच्चों को यहाँ CBT2 के लिए दिया जाता जो कि यहाँ पे ही वंचित कर दिया गया। हो सकता है कि CBT1 में अच्छा मार्क्स नहीं लाया, CBT2 में अच्छा मार्क्स लाकर वह जैसे कर सकता था, कहे कि यहाँ जैसे CBT2 का ही मार्क्स पे आपका कट ऑफ मेरिट बनेगा तो CBT2 में भी अच्छा करके ला सकता था, जो 5 लाख बच्चों का उन्होंने छीन लिया है मौका। तो इस पे आपको करना क्या है, जिनका भी रिजल्ट NTPC CBT2 में हुआ है, ठीक है, और सेकेंड फेज की जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, मैथ और रीडिंग का अच्छा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं 35-35 क्वेश्चन का जो सुबह और शाम चलेगा, और इसके अतिरिक्त GK और साइंस ऑफ करेंट अफेयर का क्विज टाइप का
क्विज टाइप का, टोटल 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा और इससे आप की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हम जितना प्रयास करेंगे कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी तत्काल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा चीज करके एक एक करके जो चार जगह जो क्वेश्चन है उसको एक जगह करके आप लोग को देने का प्रयास करेंगे, तो जिससे आपकी सफलता में अच्छा खासा स्कोर ला के आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जिनका भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में रिजल्ट नहीं हुआ यानी एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ, वो बच्चे भी क्या करेंगे कि मॉनली फॉर फोकस करेंगे ग्रुप डी पर। ठीक है, कहे कि अब आखिरी जो मौका रह गया है ग्रुप डी ही रह गया, तो ग्रुप डी पर अच्छा सा फोकस करना है। सबसे पहले करना क्या है कि आप डेली सेट प्रैक्टिस एक लगाइए, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको रिपीट करिए। ठीक है, और करेंट अफेयर पर भी फोकस करना है। इसके अतिरिक्त साइंस वाला जो है उस पर फोकस करिए, यानी कि जितना प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन जितना कवर हो सके उसको करना है, ना कि कोर्स खरीद कर पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। आपको जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लगा लीजिए, और भी क्वेश्चन अगर उससे टाइम मिलता है तो आप लगाइए, लेकिन जितना प्रैक्टिस करिएगा उतने ही ज़्यादा जैसे आपको स्कोर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें था जो हम बताने का प्रयास किए हैं, और इसीलिए जैसे इसका कट ऑफ 90+ चला गया, 85+ चला गया। ठीक है, तो कारण यही है कि एक ही बच्चा को 3 जगह सिलेक्ट किया गया है, तो कट ऑफ जो है से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है, लेकिन जिनका भी रिजल्ट हुआ है वो खुशी मनाए, क्योंकि सीबीटी 2 के लिए बहुत ही कम बच्चे आपके साथ कंपटीशन के लिए बने हैं यानी रहेंगे, तो आपको अच्छे ढंग से थोड़ा सा तैयारी करना है। कहे कि कंपटीशन बहुत ही कम है, अब जो कैटेगरी वाइज कर दिया है और जिनका सिलेक्शन हुआ है चारों में, तो वो तो चारों में ही संभव है उनका, लेकिन अच्छा नंबर लाएंगे और जो काला दिए हैं उन्हीं पे जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सुन जैसे बच्चा कम है तो ज़्यादा जो है से चांसेस बनता है कि आपका 52 में रिजल्ट होगा और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो CBT 2 पे ध्यान दीजिए अच्छे से, और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं मैथ और इंग्लिश की क्लासेस हमसे भी। ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ यानी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।